अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कचौरी पराठा। कचौरियां तो बहुत खाई हैं हम लोगों ने, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कचौरी पराठा। कचौरी की स्टफिंग करेंगे, जो स्टफिंग कचौरी के अंदर होती है वही स्टफिंग घर में तैयार करेंगे। और उसके साथ मैंने आलू की तरकारी बनाई है, तरकारी भी बनाएंगे। और बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है कचौरी पराठा और आलू की तरकारी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। देखिए कितना फुला फुला पराठा तैयार हुआ है कचौरी का, और इसकी स्टफिंग बहुत अच्छी हुई है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, वीडियो को फॉलो कीजिएगा। और कुमरा विद कुकिंग में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं, कचौरी पराठा तैयार करते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले चने की दाल ली है 1.5 कप। इस कप के हिसाब से मैंने 1.5 कप ले लिए, आपके पास कोई भी कप हो उसके हिसाब से आप ले लें। यहाँ पर देखें, दाल को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद एक सॉस पैन में हमने 2.5 गिलास पानी ऐड किया है। 2.5 गिलास पानी के अंदर हम ये दाल ऐड कर देंगे और बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। बॉयल आना शुरू हो चुका है, देखें इसके ऊपर झाग आना शुरू हो गया हल्का हल्का सा। तो इसमें झाग, यहाँ पर देखिए झाग बनता रहेगा इसका, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इसके झाग बनने में। तो हमें इसका झाग तो सारा ही निकालना है। ये अच्छी तरह से जब बॉयल हो जाएगा तो इसका झाग भी बनना ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे झाग बॉयल आना शुरू हो रहा है वैसे वैसे झाग इसका ऊपर आ रहा है। तो हमें इसका झाग बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि जैसे इसका झाग, इसके झाग की वजह से दाल का कलर भी डल हो जाता है और फिर टेस्ट में भी थोड़ा सा चेंज आ जाता है। तो इसमें इसकी अच्छाई यही है कि आप इसका सारा झाग निकाल लें, 3 से 4 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जितनी अच्छी तरह से इसमें उबाल आ जाएगा, झाग भी बनना ख़त्म हो जाएगा। जितना बनना होता है इसमें झाग वो बन जाएगा, और फिर आपने साइड में निकाल देना है। यहाँ देखें काफ़ी हद तक झाग निकल चुका है इसका, लेकिन फिर भी बॉयल आने के बावजूद बॉयल आ रहे हैं तो उसमें झाग बन रहा है थोड़ा थोड़ा। तो अब थोड़ा सा ही रह गया इसके अंदर झाग, जो हम निकाल लेंगे। और इसके बाद ही आप कोई भी मसाला ऐड करना है तो आप झाग सारा निकालने के बाद ही ऐड करें, ताकि दाल का कलर चेंज ना हो और दाल बिल्कुल परफेक्ट आपकी दिखे, दिखने में भी अच्छी लगे। तो यहाँ देखें तकरीबन झाग निकल चुका है, जो थोड़ा थोड़ा आ रहा है उसे भी निकाल लेते हैं। आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड ज़्यादा करिएगा, क्योंकि देखिए झाग में भी हम काफ़ी पानी निकाल रहे हैं। तो हाफ़ कप आप ऐड कर दें, हाफ़ कप जितना ही पानी निकलेगा इसमें से झाग के दौरान। थोड़ा सा हाफ़ कप ऐड ज़्यादा कर देना पानी आपने। और यहाँ देखें तकरीबन झाग सारा निकल चुका है इसके अंदर। और अब कोई भी मसाला ऐड करना है आपने तो मसाले में आप मसाला ऐड कर लें। यहाँ देखें हम मसाले यहाँ पे 3 ऐड करेंगे, कचौरी की दाल बना रहे हैं तो हम सिर्फ 3 मसाले अभी ऐड करेंगे बॉईल करने के टाइम पे। यहाँ 3 मसालों में जो मैंने लिए हैं, यहाँ पर लिए हैं, यहाँ पर मैंने 8 से 10 ये ग्रीन चिली लिए, और 4 जवे लहसुन के, और 1 टीस्पून नमक, ये 3 मसाले ऐड कर देंगे इसके अंदर। और इसे आधे घंटे तक कुक करेंगे, क्योंकि हमें थोड़ी सी दाल ओवर कुक रखनी है ताकि इजीली हम पीस सकें चॉपर में। अब दूसरी तरफ हम डो तैयार कर लेते हैं। दाल उधर हमारी उबल रही है तो हम डो बना लेते हैं। यहाँ पे हमने 3 कप आटा ले लिया है, आटे को हमने अच्छी तरह से छान लिया था। इसके अंदर हम 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, और फिर इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसे गूंद लेंगे। इसकी अच्छी सी डो तैयार करनी है हमने।
अच्छा, आप इसे मिक्सर में भी आराम से बना सकते हैं। इसकी डो बहुत इजीली अब बन जाती है मिक्सी में। अगर आप मिक्सी में बनाना चाहें तो उसमें भी बना लें। बहुत इजी तरीके से मिक्सी में बहुत अच्छी डो तैयार हो जाती है। तो मैं यहाँ पे हाथ की मदद से क्या बोलते हैं डो तैयार करूँगी। और यहाँ देखिए आहिस्ता आहिस्ता तैयार हो रही है डो। आहिस्ता आहिस्ता हमने पानी डाल के गूनना शुरू कर दिया है इसकी डो तैयार करके। फिर दिखाते हैं। यहाँ देखिए इसकी डो तैयार कर ली। इसमें हल्का सा ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद हम इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। दूसरी तरफ देखें हमारी दाल बिल्कुल कुक हो चुकी है। यहाँ पे देखें काफ़ी हद तक कुक है ये, और ये अवर कुक हो चुकी है। अब किसी नेट के बाउल में ऐसे निकाल लेंगे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए, और इसे हवा में रख देंगे ताकि ये ठंडा भी हो जाए, और फिर इसे हम पीस लेंगे। पीस के ये देखिए मैंने नेट की टोकरी ली है यहाँ पे, और उसके अंदर मैंने डाल दिया है और सारा पानी निकल चुका है। ये देखिए भाप कितनी अच्छी तरह से आ रहा है इसके ऊपर। और यहाँ देखें दाल का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, बहुत अच्छा सा जैसा जैसी दाल थी वैसा ही कलर है। झाग निकालने से ये फ़ायदा होता है कि दाल का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। तो बिल्कुल परफेक्ट दाल रेडी है। इसे हम ठंडा कर लेंगे। अब दूसरी तरफ हमने आलू ले लिए चार अदद आलू हमने बॉयल कर लिए, और इसमें से एक आलू हम कद्दूकश कर लेंगे और तीन आलू को हम हाथ की मदद से तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद और फिर हम तरकारी की तैयारी करेंगे। तरकारी के लिए हमने यहाँ आलू तोड़ आलू के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। देखिए और तरकारी में आलू इसी तरह के होते हैं कि आप बिल्कुल छोटे छोटे से पीसेस होते हैं, ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं होते हैं। तो मसालों की तरफ आ जाते हैं। मसाले में मैंने यहाँ पर लिया है हाफ़ टी स्पून, यहाँ पे देखिए हाफ़ टी स्पून, हाफ़ टी स्पून नहीं क्वार्टर टी स्पून यहाँ पर मैंने कलौंजी लिए। और तरकारी में कलौंजी लाजमी डालते हैं, तो कलौंजी लिए 1/2 टी स्पून। यहाँ पर मैंने कुटी हुई मिर्च लिए और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, और ये ज़ीरा काली मिर्च और धनिया पाउडर है जो मैंने घर में ही पीस लिया है। तीनों को एक साथ ही मिक्स करके हाफ हाफ टीस्पून लिया था मैंने ये तीनों चीज़ें। तो इसे मैंने पीस के रख लिया है एक तरफ। और अब यहाँ पे हम एक पैन रखेंगे जिसमें हम तरकारी बनाएंगे। पैन गर्म हो चुका है, हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल हम 3 से 4 खाने के चम्मच ऐड करेंगे। अब इसमें हम कलौंजी ऐड कर देंगे। कलौंजी के बाद हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ही ऐड करेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हमने आलू सिर्फ 4 अदद लिए हैं। अब इसे थोड़ा सा भून लेंगे। इस दौरान हम कुटी हुई मिर्चें ऐड कर देंगे। कुटी हुई मिर्चें थोड़ी ऑयल में फ्राई हो जाती है ना, तो उसका टेस्ट और भी दुबाला हो जाता है। बहुत ही टेस्टी बन जाता है सालन, और है ना उसके अंदर जैसे तरकारी में बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। इस तरह से आप ऐड कर दें, मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से। अब आलू ऐड कर दिया हमने, आलू को भी भून लेंगे अच्छी तरह से। आलू हमारे यहाँ पे भून रहा है। तो यहाँ हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, सिर्फ हल्दी और नमक अब ऐड करेंगे इसके अंदर, क्योंकि हम इसमें कुटी हुई मिर्चें ऐड कर चुके हैं, कलौंजी भी ऐड कर चुके हैं। तो यहाँ पे नमक और हल्दी ऐड करेंगे। नमक हल्दी ऐड करने के बाद ये कद्दूकश आलू भी हम ऐड कर देंगे और इसे भून लेंगे। इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है हमने। अच्छी तरह से भुनने के बाद इसमें थोड़ा देखिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके भुनेंगे ताकि हमारे आलू भंडिया से ना लगे। यहाँ देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है, येलो येलो इसी तरह का कलर होता है तरकारी का। और आलू भी बहुत छोटे छोटे तोड़े हुए, इसे हम बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। मीडियम हाई फ्लेम पे ही हमें कुक करना है ये, हाई फ्लेम पे हम नहीं करेंगे, मीडियम हाई फ्लेम पे रखेंगे। और यहाँ देखें तकरीबन आलू भून चुका है, और इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून अचार। 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैं मिक्स अचार ले रही हूँ। आप कोई सा भी ले सकते हैं, लहसुन का भी ले सकते हैं, मिर्चों का भी ले सकते हैं, कोई सा भी अचार यूज़ जो भी अवेल हो आपके पास आप वो यूज़ कर ले, कोई इशू नहीं है इसमें।
और खट्टा आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। आप अगर ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो आप 2 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक बड़ी मिर्ची ली थी, ग्रीन चिली मोटी वाली, उसे मैंने बारीक कर लिया था कट और वो मैंने ऐड कर दिया है। और ये हमने वो जो मसाला घर में बनाया था, काली मिर्च, ज़ीरा और धनिया का पाउडर, वो ऐड करा है। बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इससे। और अब इसके अंदर हम 1/2 कप पानी ऐड करेंगे और इसे 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। तरकारी बिल्कुल तैयार है। अब हम पराठे की तरफ चलेंगे, पराठे भी तैयार करेंगे। यहाँ पे हम 1/2 कप पानी ऐड कर देते हैं ताकि ये दम पे हम इसे रहने देंगे और दूसरी तरफ हम पराठे तैयार कर लेंगे। बिल्कुल तैयार हो चुकी है, इसका फ्लेम बंद कर देंगे और एक साइड पे कर देंगे। पराठा बनाएंगे अब हम। हमें इतनी थिकनेस रखनी है। अब देखें यहाँ पे हमने दाल जो थी हमने ड्राई करने रख दी थी हवा में, अब इसे हमने पीस लिया है और ये देखें कितना अच्छा बन पीस चुका है ये देखें। और ये भुरभुरा सा है ये, इसमें हमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, हमें विदाउट पानी से पीसना है। आप चॉपर में भी पीसें तो पानी नहीं ऐड करना है आपने। और हमें इस दाल को बिल्कुल भी गीला नहीं करना है, ड्राई ड्राई दाल पीसना है। कचौरी की दाल बिल्कुल ड्राई होती है, तो हम कचौरी की स्टफिंग कर रहे हैं पराठे में, तो इसीलिए मैंने कचौरी पराठा नाम रखा है इसका। इसमें देखिए नमक मैंने टेस्ट किया था, नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने 1/2 टीस्पून यहाँ पे ऐड कर दिया है। और ये वही मसाला है जो मैंने बना के रखा था, अब इसमें भी ऐड कर देंगे ज़ीरा, धनिया और काली मिर्च। बहुत अच्छा फ्लेवर बन जाएगा इससे। इसे हम मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करना है हमें इसे। मिक्स करने के बाद हम पेड़े बनाएंगे इसके। ये देखिए मैं हाथ की मदद से मिक्स कर रही हूँ और मैं हाथ से ही मिक्स करने में कंफर्टेबल फील करती हूँ, तो मैं ज़्यादातर हाथ का ही इस्तेमाल करती हूँ। आपने मेरी और भी वीडियो में देखी होगी कि मैं हाथ का ही इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ देखिए कितनी अच्छी तरीके से हाथ हाथ से मिक्स हो रहा है, ये कितनी अच्छी तरीके से, ये देखिए। और ये देखिए मैंने जो रेड ग्रीन चिली ऐड की थी इसके अंदर, ये पराठे में बड़ा अच्छा लगता है कलरफुल सा, तो ये मैंने निकाला नहीं है, इसे पीसने, इसका छिलका रह गया है तो बहुत अच्छा कलरफुल लगता है इससे। तो चलें देखें यहाँ पे ये तैयार है, तो अब हम डो की तरफ चलते हैं। डो को हमने आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख दिया था, तो अब यहाँ पे देखें ये मैं पेड़े बनाऊँगी। पेड़े बनाकर और कटोरियाँ बनाएंगे हम, कटोरियों में स्टफिंग करेंगे हम। 2 पेड़े नहीं बनाएंगे, 2 पेड़े बना के बीच में हम स्टफिंग नहीं करेंगे। यहाँ पे हम कटोरियाँ तैयार करेंगे, कटोरियों में बहुत अच्छी तरह से स्टफिंग होती है और किनारियाँ भी मोटी नहीं रहती, इक्वल रहती है, पूरा पराठा इक्वल आपका बनता है। कटोरी में स्टफिंग करेंगे तो बहुत अच्छा पराठा तैयार होता है। वैसे आपको जिस तरह आसानी लगे आप उस तरह बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये भी एक ट्रिप है। कटोरी में आप स्टफिंग करें, बहुत अच्छी तरह से आपका पराठा बनता है और स्टफिंग बाहर भी नहीं आती है। आप अच्छी तरह से इसकी क्लोजिंग करेंगे तो स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी। यहाँ पे मैं सारे पेड़े बना के रख लूँगी और फिर कटोरियाँ बनाऊँगी। ये देखिए मैं कटोरियाँ बना रही हूँ, ये देखिए दोनों हाथों की मदद से कटोरियाँ बना लें। कटोरी बन चुकी है इसकी। अब इसके अंदर हम दाल ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून भर के ऐड डालेंगे हम इसके अंदर, भर भर के दाल डालेंगे ताकि स्टफिंग हमारी बहुत अच्छी हो, खाने में भी बहुत टेस्ट आए। तो यहाँ पे देखें मैंने
दो टेबलस्पून भर के इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब इसकी क्लोजिंग करेंगे। क्लोजिंग देखें, इसी तरह से आपने क्लोजिंग करनी है इसकी, ताकि स्टफिंग बाहर नहीं आए। ये देखें क्लोजिंग कितनी अच्छी क्लोजिंग हो रही है इसकी। इसी तरह से इसका मुंह हमें इस तरह से बंद करना है कटोरी का, कि स्टफिंग हमारी बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो हम ये सारे पेड़े बना के कटोरी रख देंगे। रखने के बाद फिर एक साथ ही हम पराठे बनाएंगे। यहाँ देखिए मैंने अभी चार पराठों का बनाया आप लोगों को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे मैं चार पराठों की कटोरियाँ बना के स्टफिंग करके फिर मैं एक साथ आप लोगों को पराठा बना के दिखाऊंगी। आप लोग ज़रूर बताइएगा अगर आप लोग इस तरह पराठे बनाते हैं, स्टफिंग करके किस तरह बनाते हैं, ज़रूर शेयर करिएगा। तो मैंने तो अपनी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दिए, और ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी कचौरी पराठे की। अब यकीन करें, ये बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि आप कचौरी खा रहे हैं या पराठा खा रहे हैं। तो सेम टेस्ट होता है बिल्कुल पराठे का, क्योंकि हम वही ऑयल पराठे घी में इसको हम अच्छी तरह से ग्रीस करके तल लेते हैं, बहुत अच्छी तरह से सेक लेते हैं। और ये बहुत फूली फूली से जैसे पूरियाँ होती हैं, इसी तरह से ये फूला पूरा सा पराठा बनता है कचौरियों का। यहाँ देखिए हमने पेड़े बेलना शुरू कर दिए। यहाँ देखिए देखिए बिल्कुल भी स्टिफन बाहर नहीं आई, हल्की हल्की सी दाल झलक रही है, वो भी रोटी की स्किन है और उसके ऊपर से झलक रही है। लेकिन ये स्टफिंग बिल्कुल भी इसकी बाहर नहीं आई है। देखें दाल बिल्कुल भी नहीं झड़ रही इसके अंदर से निकल के। यहाँ देखें तवे पे, देखें तवा गर्म कर चुके थे हम, तो इसलिए मैंने तवे पर डाल दिया है पराठा। इसी तरह से हम सारे पराठे तैयार करेंगे ऐसा ऐसा। यहाँ देखें रोटी फूलना शुरू हो गई है, पराठा देखें फूलना शुरू हो गया है। अब हम घी लगा के इसे पलट देंगे। अच्छा, इसमें थोड़ी सी खुश्की ज़्यादा लगानी है, क्योंकि रोटी फटे नहीं, इसलिए भी कि चकले पे ऐसा ना हो कि बेलन के प्रेशर से रोटी दाल बाहर आ जाए। तो थोड़ी सी खुश्की आप ज़्यादा रखेंगे तो आपकी दाल बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी, ये भी एक टिप है। तो यहाँ देखें एक तरफ से रोटी सेक रही है, दूसरी तरफ भी देखें, दूसरी तरफ भी कितना अच्छा कलर आ गया है। देखें कितना खूबसूरत सा कलर आया है पराठे का, कचौरी पराठा। ये ज़्यादा डाली है तो खुश्की की वजह से थोड़ी सी ब्लैकनेस आ गई है पराठे पे, तो इसे आप साफ़ कर लें, ये हट जाएगा। और तवे को साफ़ करके डालें, क्योंकि मैं भूल गई थी, तो आप डालिएगा तो तवे को साफ़ कर लीजिएगा। यहाँ देखें तरफ से पराठा हमारा सेक चुका है, दूसरी तरफ से हम सेक रहे हैं। और पराठे देखिए कितना फूला फूला बना है, बिल्कुल कचौरी की तरह पराठा तैयार हुआ है ये। अच्छा, आलू के भी आप बना लें, इसी तरह से फूले फूले पराठे तैयार होते हैं, बड़े स्पाइसी से हैं। आप बोलेंगे तो मैं आलू का पराठा भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपने स्टाइल में, उसका भी बहुत अच्छा मसाला तैयार होता है आलू के पराठे का। यहाँ देखें तैयार है तरकारी और कचौरी पराठा रेडी हो चुका है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और कोबरा विद कुकिंग में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपका प्यार होता है कि आप सब्सक्राइब करते हैं और हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और पराठा देखें कितना, स्किन देखें कितनी ऊपर इसकी अलग हो रही है, और बिल्कुल भी टूटा नहीं है पराठा, सारे पराठे एक जैसे इक्वली बने और बहुत अच्छे तैयार हुए हैं।
और बिल्कुल पता ही नहीं लगेगा कि आप पराठा खा रहे हैं या कचौरी के साथ तरकारी खा रहे हैं। बड़ा ही टेस्टी बना है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। यहाँ देखिए मैं तोड़ के भी आप लोगों को दिखा दूँ। ये देखें स्टफिंग, देखें इसकी आखिर तक हुई है। अगर हम ये दो पेड़ों का बनाते हैं तो स्टफिंग इसकी किनारियों में नहीं पहुंचती है, तो किनारियाँ इसकी थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी रह जाती हैं। तो इस तरह से कटोरी में आप स्टफिंग करेंगे तो आपकी किनारियाँ मोटी भी नहीं रहेंगी, इक्वल पराठा आपका तैयार होगा। देख लें